वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमसे बोला गया है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो ₹10,000 पे, और जो टाइम गिवन है वो है 1.5 ईयर्स, और जो रेट है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया कि जो इंटरेस्ट अभी हमने निकाला यहाँ से, क्या ये ज्यादा होता अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली होता बजाय कंपाउंडेड हाफ ईयरली के, ठीक है ना। तो देखिए अब शुरू करते हैं, पहले पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या है, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली है। तो यहां पर देखो जो प्रिंसिपल है ठीक है उसकी वैल्यू कितनी है 10,000, तो यहां पर आ गया ₹10,000 ठीक है। और जो रेट है वो कितना लेंगे हम, पहले केस में रेट यहाँ पे दिया हुआ है 10% पर एनम, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पहला केस है यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेना है, जबकि जो 10% है वो पर एनम पूरे साल के हिसाब से है। तो यहाँ पे हाफ ईयर के हिसाब से क्या करेंगे हम इसको आधा कर देंगे, क्योंकि ये पूरे ईयर के हिसाब से है जबकि हमें हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर 10% डिवाइड बाई 2 यानी कितना जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एन की। देखो एन की वैल्यू क्या होगी, एन क्या होता है 2 × में टाइम, ठीक है। टाइम किस में होना चाहिए, ईयर्स में, और ये 2 से मल्टीप्लाई तभी होता है जब यहाँ पे लिखा हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, ठीक है ना। अगर एनुअली होता कंपाउंडेड एनुअली, जैसे कि दूसरे केस में कंपाउंडेड एनुअली है, वहां हम एन को सीधा सीधा वही ले लेंगे जो टाइम दिया होगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे जो भी टाइम दिया उसको डबल करेंगे, क्योंकि यहां पर हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है ना। उसका लॉजिक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिखा है तो आपको देखना है कितने हाफ ईयर बनते हैं। तो एक साल में 2 हाफ ईयर बनते हैं, 2 साल में 4 हाफ ईयर होते हैं, मतलब जितने भी साल होंगे उसके डबल हाफ ईयर बनेंगे। तो यहां पर अगर 1.5 साल है 1.5 ईयर है तो इसमें कितने बनेंगे 3, ठीक है। कैसे, 2 × में टाइम कितना है, टाइम है 1 and 1/2, तो आप इसको अगर सॉल्व करो तो 2 की जगह 2 रहने दो, 2 × 2 और 1 3/2, ठीक है। तो यहां से कितना 2 से 2 कट गया यानी 3 आ गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो भाई n है उसकी वैल्यू फर्स्ट केस में मुझे 3 लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जो भी ईयर में टाइम होगा उसको आप डबल में लोगे n की वैल्यू। तो यहां से n पता लग गया। अब बात करते हैं भाई अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं p 1 plus r डिवाइड बाई 100 raised to the power n, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, a इज इक्वल टू, a फॉर अमाउंट, p फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 10,000 है, और 1 plus r की वैल्यू कितनी आई थी इस केस में 5% लेनी है, यानी 5 divided by कितना 100, और जो n है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1 0 है तो 1 0, तो यहां से जो a है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000, अपनी जगह रहेगा, ठीक है। 20 × 20 + 1 = 21 / कितना 20, ठीक है। इस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 × 20 + 1 = 21 / 20, पावर कितनी है, पावर है 3, ठीक है। तो यहां से कितना 10,000 × में 21 / 20 × 21 / 20, फिर से यही चीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी तो 3 बार मल्टीप्लाई में आएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर जब आप 21 × 21 × 21 करोगे तो आपको मिलेगा 9261, और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 बचा है तो 1 0 और आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 3 बार नीचे 2 बचा है, मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 = 4 × 2 = 8 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा होगा 11576.25। तो ये है अमाउंट पहले केस में, ठीक है, इसको आप 8 से डिवाइड कर लेना, आपको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहले केस में हमें अमाउंट भी निकालना था, अमाउंट के अलावा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था। तो इस केस में पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हो, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आई 11576.25, और प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 10,000 यानी 10,000, ठीक है। ठीक है, तो 11,576.25 में से घटाओगे तो 1,000
576.25 रुपीज़ बच जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने थे, मैंने दोनों निकाल दिए। जो इसका दूसरा पार्ट था उस पर फिर से देखते हैं एक बार, उसमें क्या पूछा गया था कि जो अभी हमने निकाला क्या वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट हो, ना कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब सेकंड केस को हमें करना होगा जहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो अब सेकंड केस की बात करते हैं। ठीक है, केस टू, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो आपको याद रखना है कैसे है, वो कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो देखिए जब भी कंपाउंडेड एनुअली होगा तो यहाँ से प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, खैर प्रिंसिपल कितना था 10,000। ठीक है, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेट 10% था तो यहाँ पे 10% ही लेंगे। उस केस में जब मैंने रेट लिया था तो 2 से डिवाइड किया था, ठीक है ना, यहाँ पर क्यों किया था, क्योंकि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो हमें आधा करना था। तो इस केस में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 10% पर एनम है, यानी पूरे साल के हिसाब से दिया हुआ है, और हमें भी कंपाउंडेड एनुअली यानी साल के हिसाब से ही निकालना है, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। और जो एन है उसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम, सीधा सीधा जो भी टाइम ईयर्स में दिया गया है, यानी कि 1.5। ठीक है, तो 1.5 सीधा सीधा एन की वैल्यू यही हो जाएगी। पिछले केस में हमने क्या किया था, जो भी था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें देखना था हाफ ईयर कितने बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे हाफ ईयरली की बात की गई थी, यहाँ पे तो एनुअली की ही बात कर गई है, तो यहाँ पर जो ईयर्स में है वही रहेगा। ठीक है, तो आप देखो जब एन फ्रैक्शन में हो तो हमारे पास कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं मेनली। ठीक है, पहला तरीका क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले आप एक साल पे निकाल लो अमाउंट, फिर उसको अगले जो टाइम है हाफ ईयर उसके लिए क्या कैलकुलेट करो, उसको उसको प्रिंसिपल मान लो, और फिर आधे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालो उस पर और फिर ऐड कर दो। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी ये फ्रैक्शन में हो, क्योंकि हम अमाउंट निकालेंगे उसके बाद ही हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि किस केस में ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकालते हो, जब आपको ये फ्रैक्शन में दिया गया था मैंने आपको पहले बताया है, इसका फॉर्मूला होता है P(1+R)/100, और फिर से आप यही चीज यहाँ पे लिखते हो, यानी कि 1+R)/100। यहाँ पर आप एन लिखते, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होता तो आप क्या करते, सीधा सीधा यहाँ पे एन लिखते, फॉर्मूला खत्म। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, जो यहाँ पर इसका होल पार्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पावर 1 लिखोगे, 2 होता तो यहाँ पे पावर 2 लिखते, यहाँ 3 होता तो यहाँ पावर 3 लिखते, और जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी कि 1/2, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, ये तरीका है जब भी आपको फ्रैक्शन में एन दिया हो और आपको अमाउंट निकालना हो तो एक बार में इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 10,000। ठीक है, और यहाँ पे 1+R की वैल्यू इस बार 10 है, पिछले केस में 5 थी लेकिन इस केस में 10 है, ÷100, और 1 है पावर तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1+1/2 × R की वैल्यू 10, नीचे कितना 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा भाई 10,000 बचा हुआ है, 10 1 जा 10+1 यानी 11/10 हो जाएगा, और यहाँ पर 1+, ठीक है ना, पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 ÷ 2 10 जा 20, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10,000 इंटू में कितना 11/10 इंटू में कितना 20 1 जा 20+1 यानी 21 ÷ 20, तो 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, 2 जो बचा है 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 50 इंटू में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 1 से करो, 11 1 जा 11 कैरी हुआ 1, फिर 11 को 2 से करो, 11 2 जा 22, और जो 1 कैरी हुआ था यानी 23, अब इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके लिए 1 0 है तो 1 0 रहने दो, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हुआ 1, और 5 2 जा 10, और जो 1 कैरी हुआ था 11। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये है अमाउंट सेकेंड केस में। ठीक है, अब पहचान के लिए यहाँ पर ये सेकेंड केस का अमाउंट है तो मैं A2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, A2, और जो फर्स्ट केस में आया था हमारा अमाउंट, ठीक है, उसको पहचान के लिए मैं A1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये A1 है। तो अब देखो यहाँ पर जो पहले केस में आया था जब वहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, ठीक है, तो उस केस में कितना था 11,576.25, और इस केस में कितना आया है, इस केस में आया है 11,550। तो किस केस में ज्यादा है, जो पहला केस है, ठीक है, वहां पर ज्यादा है। ठीक
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, जो पहले अमाउंट आया था वो क्या है, ज्यादा है अब वाले अमाउंट से। ठीक है, तो अब देखिए अगर अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी इसी में ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, खैर छोड़ो इसको रहने ही दो, क्योंकि हमसे सीधा सीधा इंटरेस्ट पूछा तो हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट टू, सेकेंड केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हमने पहले कैसे निकाला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट पहला वाला था, यहाँ पे अमाउंट क्या है, दूसरा वाला, उसमें से प्रिंसिपल घटाएंगे, प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 11550 माइनस में 10,000। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1550। तो ये क्या है, ये सेकंड केस में इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यस CI1। ठीक है, पहले केस वाले को चलो CI1 बोल देते हैं, यस CI1 इज ग्रेटर देन CI2। तो यहाँ पे आप लिख दो यस CI1, CI1 की वैल्यू भी लिख देते हैं, चलो ब्रैकेट में कितनी थी, 1576.25, ठीक है, इज ग्रेटर देन CI2। CI2 की वैल्यू कितनी थी, आप लिख दो यहाँ पर 1550। ठीक है ना, तो मतलब जो पहले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट था वो ज्यादा होगा सेकंड वाले केस से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।